हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 9 मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर, आप लोगों को कन्वीनियंट रहे इसलिए आप जाकर प्लीज प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे ही चैप्टर्स जो हैं और उनके जो पार्ट्स हैं वो सीरियल वाइज सिंक्रोनाइज फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। किसी भी तरीके की आपको जो है परेशानी नहीं महसूस होगी। चलिए देखिए, आपके पास इसका पार्ट 1 हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज एक्सेस डिमांड, राइट। और ये आपको पता है कि इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर भी है। सेकेंड पार्ट है आपके पास डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड कब होगी? जब आपके पास जितनी मार्केट के अंदर सप्लाई है उसके मुकाबले डिमांड कम है। जैसा कि हमने पार्ट 1 में भी एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कि मैं एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर हूं और मैंने 500 क्विंटल प्रोड्यूस करा और मेरे मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड 700 क्विंटल है, दैट इज व्हाट एन एक्सेस डिमांड। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने 500 क्विंटल कोई भी चीज प्रोड्यूस करी और मार्केट में डिमांड सिर्फ 450 क्विंटल है, यानी 450 क्विंटल है, दैट इज व्हाट डेफिसिट डिमांड। मेरे पास 50 क्विंटल का स्टॉक रह जाएगा, यानी मेरी इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी। ये मेरे लिए एक अच्छा प्रस्पेक्टिव नहीं है, बिकॉज ये मुझे डिस्करेज करेगा एज एन प्रोड्यूसर, ठीक है, कि मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की सप्लाई जो डिमांड है वो कम है। तो डेफिसिट डिमांड को पहले डिफाइन करेंगे, फिर डायग्रामेटिकली समझेंगे, फिर रीजंस और फिर इसका इंपैक्ट समझेंगे। तो सबसे पहले, इट इज अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक्सेस डिमांड में चीजों के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो दैट इज व्हाट इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशन का मतलब प्राइसेस बढ़ना। और क्योंकि यहां पर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो ये प्रस्पेक्टिव तो हमारे दिमाग में नॉर्मल बात है कि अगर किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाए, डिमांड कम हो जाए, तो उसके प्राइस कम हो जाएंगे। तो अब मैंने 500 क्विंटल प्रोड्यूस कर लिया और मार्केट में डिमांड उतनी है नहीं, और मार्केट में समझ लीजिए इन्फॉर्म हो गया है कि बहुत ज्यादा सप्लाई हो चुकी है इसकी, तो ऑटोमेटिकली उस चीज के प्राइस जो है वो डाउन हो जाएंगे। डाउन, दैट इज व्हाट डिफ्लेशनरी गैप। तो इसे डायग्रामेटिकली समझते हैं डियर। यहां पे आपका इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, दैट इज एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई, जो भी आप डायग्राम बना रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपके पास 45 डिग्री लाइन बनता है, ठीक है जी। और आपके पास मान लीजिए ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, और एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये दोनों शब्द आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए डिमांड मतलब खर्चे ही होते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली इसका दूसरा नाम भी आपको याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के नाम से, तो बच्चे घबरा जाते हैं कि ये क्या चीज है, हमने एडी तो पढ़ा है, एएस तो पढ़ा है, एई तो नहीं पढ़ा। तो ये एडी का ही दूसरा नाम है। एडी के दो कंपोनेंट हम यहां पर पढ़ रहे हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। रीजन ये है कि आपको इस बुक के स्टार्टिंग से ही टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो पर ध्यान देने को कहा गया है। वैसे तो एडी चार सेक्टर्स पर डिपेंड करेगी, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट, चार फैक्टर्स इसके टोटल होते हैं, जो कि हम इस यूनिट के जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब देखिए, यहां पर आपका इक्विलिब्रियम हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जिसे आप कह सकते हैं। अब क्या हुआ, मार्केट में इन दोनों में से किसी भी चीज में गिरावट आने से, या तो लोगों ने अपनी कंजम्पशन कम कर दी या फिर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई, इन दोनों में से किसी भी चीज में अगर डिक्रीज आएगा तो एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएगा, यानी एडी डिक्रीज हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो गया, जिसकी वजह से आपका नया एडी जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, जितनी इन्वेस्टमेंट थी उससे और कम हो गई आपके पास। तो आपके पास जो नया पॉइंट आ गया वो आ गया आपके पास यहां पर। तो ये जो आप देख रहे हैं इक्विलिब्रियम से, ये जो डाउनफॉल आपको नजर आ रहा है ईएम, दैट इज व्हाट डिफ्लेशनरी गैप, यानी जो प्राइसेस में डाउन आएगा वो ईएम के बराबर आ जाएगा, और इसे ही आप कह सकते हैं डेफिसिट डिमांड, यानी इतना पोर्शन जो है वो डिमांड कंपैरेटिवली कम है सप्लाई के, राइट। तो अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही रीजंस हैं, अपोजिट रीजंस हैं, बस आप समझ सकते हैं, जो कि आपने एडी एक्सेस डिमांड में पढ़े थे। अब आपने डायग्राम को जरूर एक्सप्लेन करना है डियर, तो डायग्राम में जो जो आपने करा है बस वो लिख दीजिए, एक्सप्लेनेशन जरूर देनी है आपने 6 मार्क्स के क्वेश्चन में, अगर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो हमने ये लिखा है, इन द अबव डायग्राम ऑन एक्स एक्सिस वी डिपिक्ट इनकम एंड आउटपुट, है ना, इनकम और आउटपुट आपने एक्स एक्सिस पे दिखाया, एंड ऑन वाई एक्सिस वी शो एग्रीगेट डिमांड, AD1 is the initial demand curve and AS is the aggregate supply curve. Equilibrium is established at E where AD and AS intersect. Now AD decreases, AD आपकी decrease हो गई, आपके पास downward shift हो गई, इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास
इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन आ जाएगा। तो बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, जो आपने डायग्राम में लिखा है वही आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। चलिए अब बात करते हैं इसके रीजंस और इंपैक्ट की। तो बहुत आसान रीजंस हैं, एडी के कंपोनेंट्स लिख लो अपने माइंड में, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, यानी लोगों ने खाना पीना कम कर दिया, तो आपके पास एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। अगर फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दिया तो भी आपके पास जो है एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर दिया तो भी आपके पास एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हो जाएंगे तो भी आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। और इम्पोर्ट के साथ देखिए इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर आपके इम्पोर्ट्स बढ़ जाते हैं तो आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। एंड द लास्ट वन, अगर टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। ये डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है जी? डिस्पोजेबल इनकम होती है वो इनकम जो टैक्स देने के बाद बचती है। जब टैक्स ज्यादा होगा तो इनकम में से ज्यादा पोर्शन टैक्स में चला गया, तो डिस्पोजेबल इनकम यानी टैक्स के बाद वाली इनकम उनकी कम हो जाएगी। क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम कम है और कंजम्पशन जो होता है वो इनकम पर डिपेंड करता है, तो आपके पास इनकम कम होने से कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो इनडायरेक्ट इफेक्ट है, तो एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये फैक्टर्स हैं आपके पास, विच इज इजी अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब आप इनको अंदर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं एक एक लाइन में अगर आप करना चाहें, बट इतना कोई जरूरी नहीं है। आप इसे ही एक्सप्लेनेशन लाइन में लिख सकते हैं, पूरी लाइन लिख दीजिए प्रॉपर कि व्हेन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस। सेकेंड पॉइंट में, इफ देर इज डिक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर देर इज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड एंड दस एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस। तो अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें तो दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये रीजन है इसके। नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप ऑन इकोनॉमी, क्या फर्क पड़ता है अगर हम डिफ्लेशन की बात करें, आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए डियर, इन्वेंट्री बढ़ती जाएगी आपके पास। क्यों? आप देख सकते हैं कि आपके पास यहां पर आपने प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट इतना कर लिया, ठीक है। अब प्रोडक्शन जो है वो हो चुकी है इतनी और डिमांड है मान लीजिए इतनी आपके पास, तो ईएम के बराबर आपके पास आउटपुट वेस्ट रह गया, तो इन्वेंट्री क्या होगी आपकी? बढ़ेगी। और क्योंकि मार्केट में डिमांड कम है, मार्केट में डिमांड कम है तो आपके पास फर्म्स और प्रोड्यूस थोड़ा ना करेंगी बल्कि प्रोडक्शन घटाएंगी, यानी लोगों को निकालेंगी। भाई देखो मार्केट में सामान बिक ही नहीं रहा, मैं तुम्हें रखकर क्या करूंगा, तुम निकलो। मतलब लोगों को अनएम्प्लॉय करना शुरू कर देंगी, लोगों को निकालना शुरू कर देंगी। यानी इकोनॉमी में अगर आप कहें प्रोड्यूसर्स के पास, क्योंकि माल बिक नहीं रहा, स्टॉक पड़ा हो गया, इन्वेंट्री इंक्रीज होने लग गई, और जितना वो माल बना रहे थे उनकी आउटपुट यानी प्रोडक्शन में भी उन्होंने डिक्रीज कर दिया, तो आउटपुट पर ये इंपैक्ट हो गया। और क्योंकि कंपनी ने प्रोडक्शन डिक्रीज कर दी तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन का ही इनकम से लिंक है, तो अगर प्रोडक्शन डिक्रीज करोगे तो बहुत सारे इंप्लॉयज को आप निकालोगे, बाहर निकालोगे, उनको क्या कहते हैं, आप कह सकते हो हटा रहे हो अपनी कंपनी से, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो इंप्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज होगी, या आप कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। और प्राइस लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा? चीजों के प्राइस जो है मार्केट में, आपके जो प्रोडक्ट के प्राइस हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं डिफ्लेशन जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा बुरा है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है। आप ये मत सोचे कि प्रोड्यूसर्स पर इंपैक्ट डालेगा, अगर वो प्रोड्यूसर पर इंपैक्ट डालेगा तो वो वर्कर्स पर और जितने भी लोग उस कंपनी से जुड़े हैं उन पर भी इफेक्ट डालेगा। इन्फ्लेशन की बात करी जाए तो कुछ हद तक इन्फ्लेशन अच्छा होता है किसी भी इकोनॉमी में, क्योंकि वो ये शो करता है कि लोग के पास परचेजिंग पावर है, लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा, इसलिए तो लोग डिमांड कर रहे हैं। देखिए हर एक चीज का एक लिमिट होता है। डिफ्लेशन तो कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं, मेरा ओपिनियन है, डिफ्लेशन तो बहुत ही बुरा है। अगर बात करी जाए डिफ्लेशन की तो वो बहुत ही बुरा है, क्योंकि इकोनॉमी पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, स्टॉक बर्बाद हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं बढ़ रही है और डिस्करेजमेंट हो रहा है मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर्स के लिए। लेकिन अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की तो ये शो कर रहा है कि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास पैसा है, इसका मतलब ये इकोनॉमी के लिए एक अच्छा साइन है कि लोगों के पास पैसा है, लोग कमा रहे हैं, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छे साइन की तरफ डिपेक्ट करता है। लेकिन कुछ हद तक इन्फ्लेशन अच्छा होता है, हाइपर इन्फ्लेशन या फिर बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो रही है चीजों के प्राइस, तो वो अच्छा नहीं है आपकी इकोनॉमी के लिए। तो डियर होपफुल आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर कर हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस।